हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी। और आज मैं लाया हूं आपके लिए क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक डिफरेंशिएशन, जिसमें आप सीखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। लास्ट क्लास 11 में आपने देखा होगा डिफरेंशिएशन इस टाइप के फंक्शंस का, फॉर एग्जांपल वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जिसमें आपने डिफरेंशिएशन देखा, डिफरेंशिएशन दो फंक्शंस के एडिशन का, या फिर डिफरेंशिएशन दो फंक्शन के सब्ट्रैक्शन का, या फिर आपने देखा होगा डिफरेंशिएशन दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का, या फिर देखा है डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस। इस तरह के फंक्शंस आपने देखे जिनको आपने डिफरेंशिएट किया। आइए हम एक छोटा सा रिवीजन भी ले लें। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस मतलब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके लिए आप ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई। तो राइट साइड में आएगा आपके पास डी डी एक्स। दिस डी डी एक्स इंडिकेट्स डिफरेंशिएशन ऑफ वाई। डी इंडिकेट्स डिफरेंशिएशन ऑफ वाई एंड डी एक्स इंडिकेट्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। तो डी डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इंडिकेट्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो राइट साइड का होगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स। तो आपने देखा होगा कि एडिशन के केस में डिफरेंशिएशन सेपरेट हो जाता है, तो आप इसे लिख पाते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स, प्लस माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन है माइनस साइन एक्स। तो इस तरह से एडिशन का डिफरेंशिएशन होता है। अब देखिए कि मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन किस तरह से होगा। तो दिस इंप्लाइज डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, सॉरी डी डी एक्स ऑफ वाई डिफरेंशिएशन ऑफ लेफ्ट साइड इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ राइट साइड साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। साइन एक्स इंटू लॉग एक्स के डिफरेंशिएशन की तरकीब आपको अच्छे से याद होगी कि किस तरह से होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स साइन एक्स, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इस फंक्शन को हम मान लेते हैं सेकेंड। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स लॉग एक्स एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स। लॉग एक्स के केस में वन थिंग वी शुड कीप इन माइंड, इफ बेस इज नॉट रिटन इट शुड बी कंसीडर्ड एज ई। यदि इसके बेस पे नहीं कुछ लिखा तो इसको ई मानेंगे। अब ध्यान से देखिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स, लॉग एक्स एज इट इज प्लस साइन एक्स एज इट इज लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन है वन अपॉन एक्स। तो ये देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस। और तीसरा एग्जांपल आप जो ले रहे हैं इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस है। इसके लिए हम कोशेंट रूल यूज करेंगे। टू डिफरेंशिएट दिस वी शैल यूज कोशेंट रूल, डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ राइट साइड एंड लेट अस सी व्हाट इज कोशेंट रूल। डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर एज इट इज डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर
minus numerator as it is ddx of denominator whole upon denominator square. डिनोमिनेटर स्क्वायर ये रूल लगेगा. इसे याद रखने के लिए आप मोस्टली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले कौन आएगा. तो आप याद रखें कि इसको इस तरह से याद रखें डी एन ए मीन्स डिनोमिनेटर एज इट इज. न्यूमरेटर के ऊपर ए लगा है, इसको ए को समझे कि डिफरेंशिएट करना है. डी एन ए डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस एन डी ए न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर. इन दिस वे यू कैन कीप इन माइंड, इस तरीके से आप इसको याद रखें ताकि आपके दिमाग में एक अलग सा इंप्रेशन बन जाए और आपके दिमाग में ये परमानेंटली स्टोर हो जाए. डी एन ए माइनस एन डी ए, डी एन ए माइनस एन डी ए. डी लिखने का स्टाइल इस तरीके से रखें ताकि आपको ध्यान रहे डिनोमिनेटर एज इट इज़ न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और अपॉन में डिनोमिनेटर होल स्क्वायर जो हमें याद ही रहता है. तो ये रूल इसमें लगाएंगे और इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करेंगे. देखिए डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर. तो देखें ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन टू एक्स प्लस जीरो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स. हो सकता माइनस वन आपको दिख नहीं रहा उधर, तो माइनस वन का डिफरेंशिएशन है जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर. अब इसमें आप देखिए व्हाट कैन बी टेकन कॉमन टू सिंप्लीफाई इट, 2x कैन बी टेकन कॉमन. तो 2x को हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट विल हैव एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस के बाद एक ब्रैकेट लगा दे सो दैट देयर वुड बी नो कंफ्यूजन एट ऑल और अपॉन डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर. अब आप देखिए क्या क्या सिंप्लीफाई हो सकता है. तो एक्स स्क्वायर कैन बी कैंसल्ड, माइनस वन एंड दिस माइनस वन विल बिकम माइनस टू. तो आपके पास आएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, आप देखिए टू एक्स कॉमन, ब्रैकेट विल हैव माइनस वन इज माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर विच इज माइनस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर. तो इस तरीके से हम डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस के लिए डिफरेंशिएशन के क्वोशेंट रूल का यूज कर सकते हैं. क्वोशेंट रूल इसको कहते हैं, डी एन ए माइनस एन डी ए अपॉन डी स्क्वायर. लेकिन अगर आपके पास अब फंक्शन कुछ इस तरह से हो जैसे कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन x, साइन ऑफ साइन x, तो साइन ऑफ साइन x में और साइन x इंटू साइन x में देयर इज अ डिफरेंस. साइन x इंटू साइन x मीन्स साइन x इंटू साइन x, साइन x इज मल्टीप्लाइड विद साइन x. लेकिन यहां पर ये आप देखिए कि इट इज नॉट साइन एक्स इन टू साइन एक्स, इट इज साइन ऑफ साइन एक्स. इन अदर वे यू कैन राइट इट लाइक दिस, साइन ऑफ साइन एक्स. पर अगर ऐसा नहीं लिखा है तो भी इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज साइन ऑफ साइन एक्स है. तो इस केस के लिए अपन इसी को कहते हैं फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन.
साइन ऑफ साइन एक्स। तो इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं, बड़ा आसान सा तरीका है, ड्रॉ अ लाइन, पुट टी इज इक्वल टू साइन एक्स, टी इज इक्वल टू साइन एक्स, सो दैट दिस बिकम्स वाई इज इक्वल टू साइन टी, इसको आप टी मान लें। अगर आपने इसे टी माना है तो टी इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसकी जगह पे आप लिखेंगे टी, तो वाई बन गया आपका साइन टी। अब देखिए इसमें y इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, t, t इज अ फंक्शन ऑफ x, y t का फंक्शन है, t x का फंक्शन है, तो यू कैन डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स ऑफ t, डी डी एक्स ऑफ साइन x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, डी एक्स इसलिए यूज किया क्योंकि टी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, टी एक्स का फंक्शन है इसलिए यहां पर डी एक्स का यूज करा, वाई इज अ फंक्शन ऑफ टी तो यहां पे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको टी के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा आपके पास डी डी टी ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ साइन टी। साइन टी का डिफरेंशिएशन यू कैन सी कॉस टी, क्यों कॉस टी, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है वैसे टी के रिस्पेक्ट में साइन टी का डिफरेंशिएशन हुआ कॉस टी, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज डी वाई बाय डी टी, सो डी वाई बाय डी टी इज कॉस टी, डी वाई बाय डी टी यू कैन सी डी वाई बाय डी टी इज वॉट कॉस टी, एंड दिस इज dt by dx, dt by dx is cos x, and we are supposed to find dy by dx. आपको क्वेश्चन इसी तरह से दिया होगा कि find dy by dx और differentiate y with respect to x, इस तरह से सवाल दिया होगा, तो आपको find करना है, to find dy by dx, अब आप क्या करेंगे, dy by dx इज इक्वल टू, देखिए आप क्या लिखा है, ये इट इज रिटर्न डी वाई बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी इन टू, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा डी टी बाय डी एक्स, तो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू रख दें आप, डी वाई बाई डी टी का वैल्यू है कॉस टी इन टू, डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू कॉस एक्स, ये वैल्यू रख दिया आपने, तो आपके पास आएगा दिस इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ टी, विल नॉट वर्क, टी इज वैल्यू शुड बी सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि वेन एवर यू राइट आंसर एनी एजम्पशन शुड नॉट बी देयर इन द आंसर, आंसर आपको ओरिजिनल जो दिया है, तो ओरिजिनली वी आर गिवन एक्स एंड वाई, देयरफॉर आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो आप टी की वैल्यू रेफर करें, go back and see what is the value of t, then you can see value of t is sin x, so it should be sin x, instead of this t you will substitute its value or into mein aayega aapke paas cos x, so finally the answer is cos of sin x into cos x, in this way you can differentiate sin of साइन एक्स। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम टेक्निक, देन वी शैल ट्राई टू अप्लाई दिस टेक्निक डायरेक्टली, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर फाइव, आप क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ टेन एक्स, लॉग ऑफ टेन एक्स, अब आपके पास फिर प्रॉब्लम है, suppose if you have log of x then you know its derivative is 1 by x, but whenever it comes to something different other than x, jaise yahan par 10x hai, to hum kya karenge, we shall apply that same technique, let us consider t is equal to 10x, whatsoever is problem to us we shall consider that problem
एस टी, तो जो हमें समस्या आती उसे हमने टी मान लिया. द फंक्शन बिकम्स वाई इज इक्वल टू लॉग टी. नाउ यू कैन सी डी बाय डी टी ऑफ वाई, वाई डी बाई डी टी, क्योंकि वाई इज फंक्शन ऑफ टी. तो आप बहुत आसान लगेगा, आप देखिए मिरेकुलस लग रहा होगा, बिल्कुल आसानी से आप लग रहा होगा कि समझ सकते हैं इस चीज को. लॉग टी का डिफरेंशिएशन है वन बाय टी एंड डी डी एक्स ऑफ टी, इसका डिफरेंशिएशन है सेक स्क्वायर एक्स. ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि इसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं. तो एक बार मैं आपको सारे फॉर्मूले भी लिख दूंगा और आप देख सकेंगे कि कौन सा किसका डेरिवेटिव होता है. और ये देखिए d बाई डी टी ऑफ y, log t का डेरिवेटिव n बाई टी, डी टी एक्स ऑफ t इज sec स्क्वायर x. नाउ यू कैन मल्टीप्लाई देम, d y बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स. अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आप देख रहे होंगे कि dt dt कैंसिल हो जाते हैं, तो ये क्या आ जाता है आपके पास dy बाई डी एक्स. तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस, और आप वैल्यू डाल दें यहाँ पे. वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी टी इज वॉट, वन बाय टी, वन बाय टी इंटू वैल्यू ऑफ डी टी बाई डी एक्स इज वॉट सेक स्क्वायर एक्स. अब आपको क्या करना है, यू नो बेटर, टी की भी वैल्यू रखना है. तो वट इज द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू आप देखिए, टी की वैल्यू है टेन एक्स, तो वन अपॉन टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स. दिस कैन बी सिंप्लीफाइड फर्दर, इसको आप आगे भी चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं. किस तरह से, टेन एक्स की वैल्यू डाल दें, सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू डाल दें, तो आपके पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स वन अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स. कॉस एक्स कॉस एक्स कैंसिल, सो आंसर इज वन अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स. और अगर आप थोड़ा इसको सुंदर बनाना चाहते हैं तो आप लिखें इसको वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड कर दें, आपके पास आएगा टू अपॉन टू साइन एक्स कॉस एक्स. सो इट बिकम्स टू अपॉन साइन टू एक्स, टू अपॉन आपके पास आएगा 2 अपॉन साइन 2x, जिसको आप लिख पाएंगे 2 कोसेक 2x, 2 कोसेक 2x. तो इस तरीके से आपने देखा कि हम इस फंक्शन को किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. और फंक्शन ऑफ अ फंक्शन के लिए t किसको सब्स्टिट्यूट करना होता है. आइए और देखते हैं इसे बारीकी से कि डिफरेंशिएशन में टी और उसके आगे किस तरह से फंक्शन को अज्यूम किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 6, सपोज यू हैव वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स. तो y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स में आपने नोटिस किया होगा कि y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स में लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि दिस कैन बी रिटन एज साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स इंटू साइन एक्स में यू कैन अप्लाई प्रोडक्ट रूल. पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर पावर बढ़ती है, मान लीजिए साइन क्यूब एक्स है तो आप साइन एक्स तीन बार लिख लेंगे, साइन एक्स टू पावर फोर है तो चार बार लिख लेंगे, अगर मान लीजिए 1000 बार है तब क्या करेंगे. यू कैन नॉट राइट साइन एक्स 1000 टाइम्स, यही काम थोड़ी रह गया अब अपने पास कि आप एक बार 1000 बार लिखेंगे. और पावर मान लीजिए कि इसकी पावर आ गई एन आ गई तब क्या करेंगे, साइन एक्स चलो तब भी ठीक है, लेकिन अगर साइन एक्स की पावर मान लीजिए कि 2/3 आ गई तब क्या लिखेंगे, साइन एक्स 2/3 टाइम्स. इट इज नॉट पॉसिबल भाई, जब एन का वैल्यू आपका नेचुरल होगा तब आप लिख सकेंगे, अदरवाइज तो लिख नहीं पाएंगे. तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मान लीजिए यही सवाल है आपके पास, साइन एक्स टू द पावर 2/3, तो देखें किस तरह से करेंगे. और यू शुड नो साइन एक्स टू द पावर 2/3 इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग. एक बार आपको मीनिंग के नाम पे क्लियर कर देता हूं मैं,
कि साइन स्क्वायर एक्स इज सेम एज साइन एक्स होल स्क्वायर, दिस इज नॉट इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसा ना समझे, बल्कि साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को आप ऐसा लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो आप ये समझें कि दिस इज व्हाट, इसको आप ये लिखें या वो लिखें। इस केस में टी क्या मानेंगे, तो आप समझ चुके होंगे कि टी किसको मानेंगे, तो टी आपके मन में आ चुका होगा, आपका मन कह रहा है कि टी किसको मान ले, साइन एक्स को, बिल्कुल सही आपने अज्यूम किया। वाई इज इक्वल टू हो गया टी टू द पावर 2/3, डी बाई डी टी ऑफ वाई इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन 2/3 टी टू द पावर 2/3 माइनस 1, सिंप्लीफाई कर ले 2/3 टी टू द पावर माइनस 1/3, नीचे ले जाना चाहते नीचे ले जाएं, नो इश्यू, आप ऐसा लिखना चाहते हैं ऐसा लिख दें 2/3 इंटू टी टू द पावर 1/3 1/3, ये क्या है t इज इक्वल टू साइन एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ टी इज डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद है क्या होता है, कॉस एक्स। अब आप समझते हैं क्या करना होगा हमें, अब हमें dy बाई डी टी को dy बाई डी टी को dt बाय dx से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2/3 इंटू टी टू द पावर 1/3 इंटू cos x। अब t की अगर आप वैल्यू डाल दें तो मजा आ जाए, 2/3 t का वैल्यू है sin x पावर आप 1/3 यहाँ लिखें, ब्रैकेट लगा के बाहर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऊपर आ जाएगा cos x इंटू में, चाहो तो cos x आप यहाँ लिख दो। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x होल टू द पावर 2/3। अब हम इसी रूल को डायरेक्टली समझने की कोशिश करते हैं विदाउट अज्यूमिंग t। देखिए अगर आप इसको t के बिना समझते हैं तो किस तरह से करते हैं इसे, बड़ा आसान सा तरीका है, होपफुली दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। y इज इक्वल टू log ऑफ sin x, अब हम इसे बिना t अज्यूम किए डायरेक्ट करते हैं, विच इज कॉल्ड चेन रूल इन डिफरेंशिएशन। तो आइए समझते हैं व्हाट इज दैट चेन रूल, डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई यहां लिखे यहां लिखे एक ही बात है, डी डी एक्स ऑफ वाई डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। तो आप देखो डी डी एक्स ऑफ क्या बना, लॉग ऑफ साइन एक्स, तो आप इसको क्या मानेंगे, टी मानते थे आप, इसको टी मानते थे तो हो जाता था 1/t, तो 1/t यहां टी कौन, साइन एक्स, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग डायरेक्टली नाउ, तो 1/sin x। फिर किसका डिफरेंशिएशन करते थे आप देखते हैं, फिर हम डिफरेंशिएशन किसका करते थे, फिर डिफरेंशिएशन करते थे t का, dt by dx लिखते थे, यहाँ t कौन है, sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, सो फाइनली इट इज व्हाट, इट इज cot x, cot x। तो आपने देखा log ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या मिला हमें, कॉट एक्स। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन, तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनता, लॉग ऑफ साइन एक्स। आइए और अच्छे अच्छे सवाल डिस्कस करते जो डायरेक्ट होंगे, वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x, log of sec x plus 10x, तो इस केस में क्या होगा डिफरेंशिएशन, दिस इंप्लाइज डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर डायरेक्टली लिखना चाहते हैं तो log of दिस होल,
लॉग ऑफ दिस होल, लॉग ऑफ टी, तो ये डायरेक्टली क्या होगा, वन अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस सेक एक्स प्लस टेन एक्स. तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स. टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स. मैंने कहा था लिखने का, मैं अभी लिख भी देता हूं आपको ताकि आप ध्यान रख पाएंगे. सेक एक्स कॉमन ब्रैकेट विल हैव टेन एक्स प्लस सेक एक्स, डिनोमिनेटर इज सेक एक्स प्लस टेन एक्स. सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स कैंसिल. सो आंसर इज व्हाट, सेक एक्स. डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज सेक एक्स. सिमिलरली यू कैन चेक योर सेल्फ बाय डिफरेंशिएटिंग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉटेक्स. इसका डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आप खुद चेक करना. तो आपको मिलेगा इसका डेरिवेटिव कोसेक एक्स. डिफरेंशिएशन में जो फॉर्मूले यूज में आने वाले हैं वो आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था. डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज एन एक्स एन माइनस वन. डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो. कॉन्स्टेंट कौन होते हैं, कॉन्स्टेंट वो होते हैं विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंट यहीं समझते हैं हम, डी डी एक्स ऑफ साइन ए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए, साइन ए का डिफरेंशिएशन जीरो बिकॉज साइन ए, साइन इज नॉट हैविंग एक्स, साइन में एक्स नहीं है, साइन में ए है. कहीं भी अगर इसमें एक्स नहीं है तो ये कॉन्स्टेंट होगा. तो बीइंग अ कॉन्स्टेंट इट्स डेरिवेटिव इज जीरो. डी डी एक्स ऑफ समझो आप फाइव है तो फाइव का डिफरेंशिएशन भी जीरो होगा. पर अगर फाइव एक्स आ गया तो ये नाउ इट इज नॉट अ कॉन्स्टेंट, अब ये कॉन्स्टेंट नहीं है. तो ये हो जाएगा फाइव इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन. कुछ डेरिवेटिव्स आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल डी डी एक्स ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इसी फार्मूले से होता है वन. डी डी एक्स ऑफ एक्स इज वन. डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन टू रूट एक्स. रूट एक्स का इसी फार्मूले से, द सेम फार्मूला इज टू बी अप्लाइड. डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स आप ये ध्यान रख सकते हो, यू कैन कीप इन माइंड, क्योंकि ये इतने फ्रिक्वेंटली यूज में आते हैं कि फिर बार बार आप ये फार्मूला लगाएं फिर डिफरेंशिएट करें तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट और इट टेक्स टाइम. और टाइम अगर आप बचाना चाहते हैं तो कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव डायरेक्ट ध्यान रखें. डी डी एक्स ऑफ एक्स वन, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स वन बाय टू रूट एक्स, और इनके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हैं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स. यू कैन नोट और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एक बार में फॉर्मूले लिख के स्क्रीन से साइड हो जाऊंगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकेंगे. डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इधर लिख देता हूँ मैं डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स
ddx of e to the power x is e to the power x. ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की वैल्यू फिक्स है, e की वैल्यू 2.7 समथिंग होती है, तो e की जगह कोई दूसरा नंबर नहीं चलेगा. ddx of a to the power x log a to the power x log a. a की जगह नंबर आ सकता है, a की जगह 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 7 आ सकता है. there is a restriction about a. a should be greater than 0. a की वैल्यू 0 से बड़ी होना चाहिए. a की जगह 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 7 आ सकता है, a की जगह e भी आ सकता है, पर e की जगह a नहीं जा सकता. e is fixed, e की वैल्यू फिक्स है. e की वैल्यू क्या होती है, e की अप्रॉक्स वैल्यू है 2.7. इसे यूलर्स नंबर कहते हैं. जैसे आपने पाई पढ़ा होगा, पाई की वैल्यू 22/7 3.14 होती है, वैसे ई का वैल्यू 2.7 होता है, अप्रॉक्स वैल्यू. इट इज़ नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू. इट इज़ एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, और ये इन्फाइनेट तक जाता है. तो हम इसकी एक प्लेस तक वैल्यू लेते हैं 2.7. आपको इसकी वैल्यू रखने का चांस कभी ही शायद ही आए, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि e की वैल्यू फिक्स है, तो e की जगह a नहीं आ सकता, पर a की जगह e आ सकता है. जब a की जगह e आ जाएगा तो यहाँ e हो जाएगा, e पावर x, और यहाँ पे हो जाएगा log e. a की जगह क्या होगा उस केस में, log e, और log e का वैल्यू होता है 1. log e का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा आपका, जब a की जगह e आएगा e टू द पावर x, यहाँ भी आएगा e टू द पावर x, और log e का वैल्यू होता है 1, तो log e का वैल्यू 1 होता है, तो ये हट जाएगा, तो वापस इसी तरह से आ जाएगा. ये दो जो है केसेस, एक ये और एक ये हो सकता है आपने क्लास 11 में ना देखे हो, तो आप इसका ध्यान रखिए. और एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव है ddx of log x इज 1/x. ddx of log x इज 1/x. और मैंने आपको कहा था कि बेस इज नॉट देयर, इट शुड बी कंसीडर्ड एज ई फॉर क्लास 12. अगर आपके पास बेस दिया हो तो फिर आप ये वाला फार्मूला लगाएं, ddx of log x बेस a इज इक्वल टू 1/x log a, बेस इसका ई होगा. या फिर इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं आप, log e बेस a अपॉन x, ये भी आप इसको लिख सकते हैं. तो इस तरह से हमने देखे जो डिफरेंशिएशन के लास्ट ईयर के फॉर्मूले थे, बेसिक फार्मूलास थे, वो देखे. और आप इनको नोट कर सकते हैं, आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने दिमाग में रख सकते हैं. तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन थे. आप इसमें देख सकते हैं कि जो सी से स्टार्ट होते हैं, दोज वो बिगिन विथ सी, कॉस, कॉट, कोसेक, दे ऑल हैव देयर डेरिवेटिव्स विद नेगेटिव साइन. उनके सबके डेरिवेटिव में माइनस का साइन आता है, साइन, टेन, सेक, इनके डेरिवेटिव में नेगेटिव साइन नहीं आता है. इनके डेरिवेटिव दे आर फ्री फ्रॉम नेगेटिव साइन, वो पॉजिटिव रहेंगे. अब हम और कुछ फंक्शंस के डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करने की कोशिश करते. देखिए, जैसे y इज इक्वल टू, हम लिख लें log ऑफ, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड में तो बहुत पूछते इसको, y इज इक्वल टू log of x. तो व्हाट इज t? t इज दिस, इट इम्प्लाइज d/dx of y. इसका डेरिवेटिव होगा, इसको इफ यू कंसीडर दिस एस t, तो ये log t हो जाएगा, log t का हो जाएगा 1/t. व्हाट इज t? t इज log x हियर. अब फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे log x का, तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x. आप चाहे ऐसा लिख दें, चाहे तो थोड़ा सा सजाते हुए लिख दें, 1/x log x. इस x को इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये log के अंदर है और ये x उसके बाहर है, तो ये x उसके अंदर नहीं आएगा. सिमिलरली यू कैन डिफरेंशिएट दिस,
y is equal to log ऑफ x, बिल्कुल इसी तरीके से। अभी t किसको मानने का, अभी t इसको मानेंगे, तो dy by dx क्या होगा, dy by dx होगा 1 अपॉन log ऑफ x। फिर आप किसको t मानेंगे, इसको मानेंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया, अब t का होगा मतलब इसका होगा log ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय log x, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय x। अगर ये समझने में आपको थोड़ी सी परेशानी हुई तो मैं आपको एक बहुत आसान सा एक तरकीब बताता हूँ। आप समझिए कि एक किला है, एक किले के अंदर एक और किला है, उसके अंदर भी किला है, उसके अंदर भी किला है, और मान लीजिए कि किसी को हमला करना है, किसी को अटैक करना है, तो सबसे पहले किस पे हमला होगा, सबसे पहले जो आउटर मोस्ट है उस पे हमला होगा, फिर सेकंड आउटर मोस्ट पे होगा, फिर इस पे होगा, फिर आखिरी में इसका होगा। तो मान लो कि इसके ऊपर अटैक होता है, तो आप देखिए सबसे बाहर कौन, सबसे बाहर है ये लॉक, तो लॉक के ऊपर हमला होगा, तो लॉक के ऊपर होगा तो जो भी होगा लॉक के अंदर तो वो नीचे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने लिखा हुआ है, अब मैं एक आपको ये देता हूँ, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो क्या होगा, तो dy बाय डी एक्स होगा, लॉग के अंदर क्या है वन अप, जो भी है वो नीचे आ जाएगा, वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। अभी ये किसके ऊपर हुआ, आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट मतलब लॉग, तो इट हैज बीन डिफरेंशिएटेड, अब ये डिफरेंशिएट हो चुका है, अब किसकी बारी आई, अब ध्यान से देखो, अब किसकी बारी आई आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर, रूट की बारी आई, तो रूट का डिफरेंशिएशन आपने देखा होगा, रूट एक्स का मैंने यहाँ लिखा हुआ था, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज 1 बाय 2 रूट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। रूट का भी इसी तरीके से होता है, जैसे लॉग का मैंने आपको बोला कि लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये आप नोट कर सकते हैं चाहें तो, डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, जो भी इसके अंदर है वो नीचे आ जाएगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ, किसका डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा एफ ऑफ एक्स का, जो उसके अंदर है, क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट के बाद क्या होता है, सेकेंड आउटर मोस्ट, फिर क्या होता है, थर्ड आउटर मोस्ट, तो फिर ऐसे ऐसे करके अंदर जाते हैं, तो पहले किसका हो गया लॉक का, लॉक का हो गया 1 अपॉन, फिर इनटू, फिर आप ऊपर आइए, नीचे मत रहिए, नीचे नहीं आना आपको, देखो फिर आपको ऊपर आना, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, वैसे हमने यहाँ पे किया, लॉग का क्या हुआ 1 अपॉन, फिर हमने रूट का डिफरेंशिएशन, रूट का भी इसी तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ, यू कैन कीप इन माइंड डी डी एक्स ऑफ, डी डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, रूट का 1 बाय 2 रूट एफ एक्स और फिर डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसी तरीके से इसका है, रूट का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनर मोस्ट, तो सबसे अंदर कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ब्रैकेट शुड बी यूज्ड, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर यू नो 2x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वन इज व्हाट 0, सो फाइनली दिस इज द आंसर। और आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं देखिए, सिंप्लीफाइड वे में कैसे लिख सकते हैं आप देखो, dy by dx, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लॉग की प्रॉपर्टी लगा देता, तो अभी मैंने लॉग की प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस नहीं की इसलिए मैंने इसका यूज नहीं किया, 1 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 1,
रूट इंटू रूट ऑफ सेम क्वांटिटी तो रूट हट गया, इंटू टू एक्स तो टू एक्स आप चाहें तो यहाँ लिख दें, बिकॉज वन इंटू टू एक्स इज टू एक्स, तो आप यहाँ लिख दें, टू से आप ये टू को कैंसिल कर सकते, तो फाइनली द आंसर विल बी दिस, एक्स अपॉन वॉट, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब अगर आपके पास क्वेश्चन दूसरा मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, सपोज इफ यू हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस, वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया आपने। अब सबसे पहले किसका, आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट में कौन, साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अंदर वाला एज इट इज, फिर किसकी बारी आई कॉस की, कॉस का कितना माइनस साइन। आपने देखा होगा जब सबसे बाहर वाले पे हमला हुआ तो उसने अंदर वाले को प्रिजर्व किया, बचाया, प्रोटेक्ट किया, उसको सुरक्षित रखा, उसको चेंज नहीं होने दिया, तो जब साइन के ऊपर हुआ तो साइन डिफॉर्म हुआ, साइन डिफरेंशिएट हुआ और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हुआ, उसने अंदर वालों को प्रोटेक्ट किया, नहीं कुछ होने दिया। अब किसके ऊपर हो रहा है, कॉस पे, तो कॉस चेंज होगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन, अंदर वाले को कुछ नहीं होने देगा। पर अब हमला होते 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 डिफरेंशिएट होते होते अंदर में भी जाएंगे, अंदर क्या है, ई टू द पावर एक्स, आपने देखा होगा मैंने यहाँ लिखा था डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, और ये था डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स। सो फाइनली योर आंसर विल बी लाइक दिस। आप थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन चाहे कर सकते हैं, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स, साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स आप वहाँ लिख दें यहाँ लिख दें, इट्स नॉट एन इश्यू, है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, और आगे देखते हैं, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है ये, जिसमें आप अंदर अंदर डिफरेंशिएट करते हैं और एन्जॉय भी करते हैं, नई चीज़ सीखते हैं, और सिस्टमेटिकली कितना चलता है ये प्रोसीजर, कितना सिस्टमेटिक है वो समझते हैं। y इज इक्वल टू, एक और उससे जुड़ा हुआ सवाल देखिए, साइन ऑफ sec ऑफ एक्स स्क्वायर, तो t का भी थोड़ा ज्ञान रहे और जो मैंने आपको किले वाली मेथड बताई है अगर थोड़ा थोड़ा उसका भी ज्ञान रहे तो ये आपके लिए एकदम वंडरफुल मेथड प्रूव होगी। आप देखिए कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, सबसे पहले किसके ऊपर होगा, साइन के ऊपर, ठीक समझे आप, साइन के ऊपर क्या होगा, कॉस, कॉस ऑफ सेक ऑफ एक्स स्क्वायर। अब किसके ऊपर हमला होगा, सेक, तो सेक के अंदर क्या है, सेक के अंदर है एक्स स्क्वायर जिसको टी भी मानते थे, तो अगर ये लिखा होता सेक टी तो आप लिखते सेक टी का डिफरेंशिएशन सेक टी इंटू टेन टी, तो ये हो जाएगा आपके पास सेक ऑफ एक्स स्क्वायर टेन ऑफ, आप समझे कि एक्स स्क्वायर इज टी थोड़ी देर के लिए, तो आपके पास आएगा सेक ऑफ एक्स स्क्वायर टेन ऑफ एक्स स्क्वायर सेक टी sec of t, sec t tan t। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, इसके ऊपर हमला हुआ, इसका हो गया, इसका होना बचा है, तो इंटू डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स स्क्वायर का, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया आपके पास, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, तो फाइनली योर आंसर विल बी लाइक दिस। आप 2x को यहाँ भी लिख सकते हैं शुरू में, 2x cos ऑफ sec ऑफ एक्स स्क्वायर, sec ऑफ एक्स स्क्वायर टेन ऑफ एक्स स्क्वायर, और cos से sec को कैंसिल नहीं कर सकते, इस तरीके की गलती बिल्कुल ना करें, cos x इंटू sec x इज वन, ऑफ कोर्स इट इज ट्रू, इट्स एन आइडेंटिटी, बट cos ऑफ sec ऑफ एक्स
इज नॉट इक्वल टू एक्स। इस तरीके की गलती कभी नहीं करें कि कॉस से सेक को काट दिया, कॉस से सेक नहीं कट सकता, इट इज एन एंगल कॉस ऑफ सेक। इसी तरीके से साइन के अंदर कोसेक आए, साइन ऑफ कोसेक ऑफ समथिंग पी है, तो दिस विल नॉट बी इक्वल टू पी, इसको आप पी नहीं मानेंगे। टेन ऑफ कॉट ऑफ वाई कैन नॉट बी इक्वल टू वाई, समझे क्या आप मेरी बात को? हाँ, टेन एक्स इंटू कॉट एक्स होगा, टेन एक्स इंटू कॉट एक्स ऑफकोर्स इट इज वॉट वन, क्लियर। और ऐसी भी गलती नहीं करेंगे कभी, होपफुली यू आर बेटर स्टूडेंट्स, पर मैं अपनी ड्यूटी समझ के कि टेन से कॉट को काट दिया और दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, नो नो इट्स नॉट ट्रू। और इस तरीके की भी गलती नहीं करेंगे हम, टेन ऑफ एक्स को कभी इस तरह से नहीं लिखेंगे, साइन ऑफ साइन अपॉन कॉस और इस तरह से, दिस इज नॉट ट्रू। टेन एक्स शुड बी रिटन लाइक दिस, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, दिस इज द करेक्ट मेथड। टेन एक्स को आप लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ये इंटीग्रेशन के और रूल्स सीखे हमने, आइए आप और आगे देखते हैं, जिसमें स्क्वायर रूट का भी इस्तेमाल हो, ई का भी इस्तेमाल हो। वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप सबसे पहले किसको देखेंगे? आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट इज व्हाट? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन क्या है? मैंने आपको बताया स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, वन अपॉन टू रूट एफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ व्हाट? डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इसी तरीके से इसका डिफरेंशिएशन होगा डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉट और स्क्वायर रूट का देखिए, स्क्वायर रूट का वन बाय टू रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट? अगर आप डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर दें नो इशू, नहीं तो आप ऐसा लिख दें अगली स्टेप में कर दीजिए, वन बाय टू रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर और टी टी एक्स स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज टू एक्स। इसी तरह से अगर हम और देखते चलें, गहराई में जाते जाएं, जाते जाएं, समुद्र की तरह गहराई है मैथमेटिक्स, आप समझते हो, इसीलिए ये सब्जेक्ट आपने देखा होगा कि आगे जाके डिवाइन हो जाता है। और आप जब इसको एक्सपीरियंस करते हो तब आप इतने डिसिप्लिन्ड, इतने काम एंड क्वाइट हो जाते हो, इतना आनंद उठाते हो जिसका जवाब नहीं। देखिए किस तरह से डी वाई बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स का क्या होता है? ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर, ई टू द पावर व्हाट सो एवर इट इज, ई टू द पावर जो भी है, मान लीजिए कि ये टी है तो ये हो गया। अब फिर डिफरेंशिएशन टी का भी होगा, यहाँ नीचे आएंगे इस सीध में, इस लाइन में, बी इन दिस लाइन, इस लाइन में रहे, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज ई टू द पावर रूट एक्स। नाउ यू नीड टू डिफरेंशिएट रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है, व्हाट इज इट्स डेरिवेटिव? वन अपॉन टू रूट एक्स। इस तरह से हमने देखा कि इसका डिफरेंशिएशन किस तरह होगा, डायरेक्टली हाउ इट कैन बी डिफरेंशिएटेड। अगर आप इसी तरह से और डिफरेंशिएशन देखना चाहते हैं, देखिए y इज इक्वल टू 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 द पावर थ्री टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर fx, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर fx,
डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज ए टू द पावर एफ एक्स लॉग ए. लाइक जैसे आपने डिफरेंशिएशन ऑफ ए पावर एक्स का देखा ना, ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई. इन द सेम वे डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एफ एक्स इज दिस. पर अब बात किसकी है, पावर की भी डिफरेंशिएशन होगी, क्योंकि अभी तो ये टी जैसा काम कर रहा है, ए टू द पावर टी लॉग ए, फिर टी का भी होगा. तो टी मतलब डी डी एक्स ऑफ व्हाट, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा. तो इधर देखो डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले इसको टी मान लें, तो टू टू द पावर टी इज इन टू लॉग टू. अब किसकी बारी, थ्री की, इसकी. तो अब आप टी इसको माने तो थ्री टू द पावर टी लॉग थ्री. फिर किसका डिफरेंशिएशन, फिर एक्स स्क्वायर का, टी का डिफरेंशिएशन. तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा इन टू टू एक्स. तो सो फाइनली योर आंसर विल बी दिस. तो आपका आखिरी में आंसर इस तरह से कुछ होगा. एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 18 लिखते हैं उसको. y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. सपोज इफ यू आर गिवन, इफ दिस इज गिवन, देन वी आर आस्क्ड टू प्रूव दैट dy by dx is equal to 1 upon root of a square plus x square. इस particularly इस question में ऐसा पूछते कि if y is equal to this, then we need to prove dy by dx is equal to that much. तो देखो किस तरह से करते हैं, बहुत important question है. तो we are given y is equal to log of x प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अब इसको डिफरेंशिएट करें, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग का देखा आपने वन अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेम बात. डी डी एक्स किसका अब होगा, अंदर वाले का, एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन टू. अब डी डी एक्स अलग अलग होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. बड़े आराम से इस सवाल को करना चाहिए, डोंट बी इन हरी, जल्दी में ना रहे. इन टू एक्स का डिफरेंशिएशन वन, रूट का डिफरेंशिएशन है 1 बाय टू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अब बारी किसकी आई, अंदर वाले की. रूट का तो हो गया, रूट यहां तक, रूट का डिफरेंशिएशन हो चुका है. अब बारी आई ए स्क्वायर का. तो बीइंग अ कांस्टेंट, ए स्क्वायर शुड बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट. ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x. अब आप समझ सकते हो कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज 2x प्लस 0 इज व्हाट 2x. तो ये 2 कैंसिल. तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1 अपॉन x प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ ये 2 कैंसिल होने के बाद एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये और ये सेम क्वांटिटी है, तो आपके पास आया वन अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो इसका आंसर देखिए, बड़ा बहुत अच्छा सवाल है और आंसर एकदम कॉम्पैक्ट है, पहले बड़ा डिफिकल्ट दिख रहा था। इसमें गलती बच्चे इस तरह से करते हैं कि सेकेंड वाले फंक्शन को अलग अलग ना करते हुए डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं, और ये जो 2x है यहाँ लिखने की जगह वो यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ लिखने के कारण उनका आंसर गलत हो जाता है। इसका एक और बहुत अच्छा सवाल है, वो इसी से मिलता जुलता है, इसी कंटिन्यूएशन में मैं उस क्वेश्चन को करता हूँ। आगे की चीजें आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपके उन दोस्तों को भी इसका फायदा मिले जो किसी कारणवश पीछे डिफरेंशिएशन को छोड़ चुके या उन्हें समझने में दिक्कत होती हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। इफ वाई इज इक्वल टू दिस मच देन वी आर सपोज टू प्रूव, देन प्रूव दैट dy by dx is equal to ny upon under root of x square plus 1। ये क्वेश्चन CBSE में एक बार पूछा भी जा चुका है, आप इसके सॉल्यूशन के लिए लिखें कि व्हाट इज गिवन, जो भी ये पढ़ाया जाए इसे आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, दोस्तों से शेयर करें, आपस में डिस्कस करें, खुद भी समझाने की कोशिश करें। जब आप इसे किसी को समझाएंगे तो आप इसे बेहतर समझ पाएंगे। d by dx of y differentiation of this, तो being power at the outermost level, power जो है outermost है, तो सबसे पहले इसका differentiation n x plus root x square plus 1 टू द पावर एन माइनस वन इन टू डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, एक्स का डिफरेंशिएशन होगा वन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ रूट टू रूट वन बाय टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर डिफरेंशिएशन किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वन का, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का टू एक्स, वही गलती फिर नहीं करना, बाहर नहीं लिखना टू एक्स को, प्लस वन का जीरो, तो समय बचाते हुए 2x ही लिख दिया हमने, 2 कैन बी कैंसिल्ड। इसमें आप लिख सकते हो n x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन पावर n होल अपॉन x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन टू द पावर वन, लॉ ऑफ इंडाइसेस से लिखते हैं ना आप, क्या लिखते हैं, पावर अगर m माइनस n है तो ऊपर m और नीचे n, कौन सा ये वाला नियम, a टू द पावर m a टू द पावर n को क्या लिखते हैं आप, a टू द पावर m माइनस n, यहाँ पर क्या है अपने पास n माइनस वन है, यहाँ n है यहाँ वन है, तो यहाँ हो जाएगा n यहाँ हो जाएगा वन, a कौन, a ये पूरा, इधर एलसीएम ले लें आप, इधर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स होल अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स कैंसिल। ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, यू कैन सी दिस इज वाई, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं एन इंटू वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये जो y लिखा है ये कहाँ से लिखा है, फ्रॉम वन, यू कैन कोट दिस फ्रॉम वन। सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 19
and we are finishing this lecture at question number 19. As you know, my name is Dr. Rakesh Kumar Tripathi, and for any kind of query, any kind of suggestion, you may write in comment box and do not hesitate. Whosoever is watching this video can write a comment to me, and you can even SMS to me at my number 98270 98056. This is my number, and my channel's name, you know, Dr. Rakesh Kumar Tripathi. So you may contact at this number, or you can write at comment box. My best wishes are with you, and I will come up with next few more videos, few more interesting videos, which will be very helpful for you people, and wish you all the best.